राज्य सरकार जनता के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं संचालित करती है। इसका मकसद होता है कि लोगों को इसका लाभ मिले, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे लोग दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा एक मामला डोगर गाँव से सामने आया है, जहाँ एक ठेकेदार अपने कार्यो का मूल्यांकन करवाने के लिए जनपद पंचायत के चक्कर काट रहा है। राजनांदगांव के पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ठेकेदार खेमू वर्मा ने बताया कि उसने ग्राम झिटिया और ग्राम खैरी में भवन का निर्माण किया था, जिसकी लागत 6 लाख रुपए से ऊपर है। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 6 महीने से मूल्यांकन नहीं होने के कारण वह जनपद पंचायत के चक्कर लगाकर परेशान हो चुका है। कभी जनपद के एसडीओ नहीं रहते तो कभी इंजीनियर गायब रहते हैं। ठेकेदार ने जनपद पंचायत के सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उसने कहा है कि यदि उसके किए हुए कार्यों का जल्द से जल्द मूल्यांकन नहीं किया गया तो 15 जून को वह जनपद पंचायत के सामने आमरण अनशन पर बैठ जाएगा और इसकी जवाबदारी जनपद पंचायत के अधिकारी और कर्मचारियों की होगी। सर, ये है पत्रकार महोदय जी, मैं काम किया हूँ 2023 में 12वां महीना दिसंबर का। अभी तक निषाद भवन जो ग्राम पंचायत खपरी कला आश्रित ग्राम झिटिया में अभी तक मेरा मूल्यांकन सत्यापन नहीं हुआ है। इसमें आता हूँ तो इंजीनियर लोग नहीं रहता है, न एसडीओ नहीं रहता है। हमेशा जनपद पंचायत के मैं चक्कर लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं खैरी भी बनाया हूँ। SEWEL करके नाम है उसका, 6.5 लाख का। उसका भी मूल्यांकन MBM नहीं चढ़ाया है और रोज़ मैं परेशान हुआ हूँ और इस जनपद कार्यालय का मैं बहुत बार चक्कर लगा चुका हूँ। की लापरवाही में इंजीनियर और SDO की लापरवाही है। इसके लोग की कार्रवाई होना चाहिए और हमारा जो मजदूर का पैसा और जो राड सीमेंट लिए हैं उसका भुगतान होना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।